form. Okay. So we started out with molecular basis of inheritance and हमने starting से discuss किया बच्चों कि अपना genetic material होता है DNA. लेकिन ये बोला किसने तुमको? ठीक है, मैंने बोला, तुमने मान लिया, इतने साल से तुम मानते चल रहे हो. अच्छी बात है, मानना अच्छी बात है, किसी ने बोल दिया डीएनए जेनेटिक मटेरियल, सही भी है. लेकिन बोला किसको तुमने, या तुमको किसने बोला, और तुम इतना श्योर कैसे हो सकते हो, तुम इतना मान कैसे सकते हो लोगों की बात? तो ये क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा. सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हम क्यों इतना कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि डीएनए तुम्हारा जेनेटिक मटीरियल है. हाउ डिड यू गेट सो मच कॉन्फिडेंट, राइट? कितने सारे है, आरएनए भी था, प्रोटीन्स भी है, इतना सब कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वो सब भी तो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है. तो ऐसा क्या खास डीएनए में है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, पहला क्वेश्चन तो ये. और दूसरा, लोगों ने मान कैसे लिया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है? सो बेस्ड ऑन दिस देवर एक्सपेरिमेंट्स बच्चों, एक घमासान मच गया कम्युनिटी में कि सच क्या आखिर. और सच को पता करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स हुए. बहुत सिंपल है, बहुत इजी है. एंड द फर्स्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट. देखो समझना मेरी एक सिंपल सी बात, हमारे लक्ष्य क्या है आखिर, आज के लेक्चर का मिशन क्या है या गोल क्या है? टू प्रूव डीएनए जेनेटिक मटेरियल. अब बहुत सारे बच्चे ना इसका मतलब समझ नहीं पाते, रीड कर लेते पर समझ नहीं पाते. इसका मतलब बहुत सिंपल है कि अगर मैं मेरी मम्मी पे गया हूं तो ऐसा क्या है मेरी मम्मी में से जो मुझ में आया है? तो जो चीज जो ट्रांसफॉर्म होती है, जो आती है, उसी को हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल. तो डीएनए इज समथिंग विच इज ट्रांसफर्ड, राइट? द जीन्स विच आर ट्रांसफर्ड, जो डीएनए में होती है. मेरी मम्मी में से मुझ में प्रोटीन नहीं आएगा बच्चों, मेरी मम्मी में से मुझ में आरएनए नहीं आएगा. और आएगा भी तो बच्चों, इट विल नॉट बी अ जेनेटिक मटेरियल, मतलब वो मेरे पे कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. तो आज के लेक्चर का मिशन ये होगा, गोल ये होगा कि टू प्रूव दैट DNA is a genetic material and which is very simple to prove. There were three experiments, very simple three experiments. कहानियां है, बहुत सिंपल है, एकदम ईजी है, एकदम इंपॉर्टेंट भी है. बोर्ड एग्जाम लिख रहे हो या कोई एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. तो पहला है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट. देखो समझने की कोशिश करना. अर्ली 1900s तक अर्ली 1900s में लोगों को पता था कि जीन्स कंट्रोल करता है द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स. जो कैरेक्टर्स है उसमें कहीं ना कहीं पे जीन्स का रोल है. और यह भी पता था कि जीन्स लोकेटेड है तुम्हारे डीएनए में, डीएनए है क्रोमोसोम्स में. तो बेसिक बातें बच्चों पता चल गई थी लोगों को कहीं ना कहीं पे. अच्छा, इनिशियली लोगों का लगता था, तुम बिलीव नहीं करोगे, स्टार्टिंग में इनिशियली देखो उनको पता था, बेसिक चीजें पता थी उनको. लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता था कि क्योंकि प्रोटीन्स एकदम कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि प्रोटीन्स इतने कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि प्रोटीन्स इतने लार्ज है, और ये इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, मतलब सेल इतना बड़ा, इतने सारे सेल्स है, इतना कुछ है बॉडी में कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, तो प्रोटीन ही होगा, यही है हमारे देवता करता, हमारे जेनेटिक मटेरियल, ऐसा लोग मानते थे. और ये बात फनी चीज है कि पहले लोग ऐसा मानते थे कि डीएनए ऑन द अदर हैंड इज वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल, उसमें कुछ खास रोल नहीं है डीएनए का. लेकिन ये बात गलत साबित हुई बाद में बच्चों. क्या गलत साबित हुई? कि डीएनए छोटा मॉलिक्यूल तो नहीं होता, बड़े होते हैं, और डीएनए में वेरिएशंस होते हैं बच्चों. तुम बिलीव नहीं करोगे, रफली
फ्रॉम द ईयर 1928 टू 1952, कुछ करीबन 25 साल, करीबन 25 साल लग गए टू प्रूव के प्रोटीन्स वहां जेनेटिक मटेरियल नहीं है, डीएनए है, है ना। 25 साल लग गए। अब कैसे मालूम पड़ा? तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स थे बच्चों, बहुत सारे, पूछो मत, उतने एक्सपेरिमेंट्स थे। लेकिन तुम्हारे टेक्स्ट बुक में तीन है, एंड द फर्स्ट वन इज ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ रफ आइडिया। अच्छा ठीक है, प्रोटीन बड़ा दिखता था, प्रोटीन के बारे में लोगों को ज्यादा मालूम था, तो लोग प्रोटीन को मानते थे जेनेटिक मटीरियल। सब हवा हवा में बात होती थी, हवा हवा के भाई प्रोटीन होगा, एक्सपेरिमेंट किसी ने किए नहीं है, खुद के मन में कुछ ना कुछ डायलॉग्स बना करके मान लिया। लेकिन ये चीज चेंज हो गई विथ थ्री एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पहला था। तो क्या था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज देयर इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। मस्त हैंड रिटन नोट्स देता तुम लोगों को, मैं सिस्टमैटिकली एकदम एक्सप्लेन करता हूँ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। सो व्हाट वाज देयर इन द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, क्या डिफरेंट था? अब बच्चों बात चल रही है 1928 की। ब्रिटिश मेडिकल ऑफिसर, इसका नाम था ग्रिफिथ, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग बैक्टीरिया, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया। इस पे काम कर रहे थे। अच्छा ये क्या है ये बैक्टीरिया? दिस इज अ बैक्टीरिया बाय द वे, दिस इज अ बैक्टीरिया, इट कॉसेस निमोनिया इन ह्यूमंस और मैमल्स में भी, इट कॉसेस निमोनिया। अरे छी 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 छी, इट कॉसेस निमोनिया। इन ह्यूमंस एंड अदर मैमल्स। सर इनके बारे में क्यों पढ़ रहे थे ये इतने खराब जो अपने को निमोनिया कॉज करते हैं, उनके बारे में क्यों पढ़ना? क्योंकि इनको वैक्सीन बनानी थी उनके लिए, निमोनिया के अगेंस्ट वैक्सीन बनानी थी इनको, भाई साहब को, ठीक है। अब क्या किया, जैसे कोरोना वायरस भी है बच्चों, तो कोरोना वायरस के कितने सारे स्ट्रेन मिले, बराबर के नहीं थे, लॉट ऑफ स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस। वैसे ही बच्चों ग्रिफिथ इनके बारे में पढ़ रहा था, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया में के बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहा था जो निमोनिया कॉज करता है ह्यूमंस एंड अदर मैमल्स में। क्या करना था इनको, भाई साहब को वैक्सीन बनानी थी। तो ग्रिफिथ ने क्या किया बच्चों, बहुत स्मार्ट बंदा था ये, इसने क्या किया, स्ट्रिप्टोकोकस की दो वैराइटीज ली। क्या किया उन्होंने, ही टुक टू स्ट्रेन्स ऑफ स्ट्रिप्टोकोकस। क्यों ले रहा था ये, क्या कर रहा था, इसको क्योर ढूंढना था, इसको वैक्सीन बनानी थी। अच्छा बंदा था बहुत, कोशिश बहुत अच्छी थी इसकी, इसको वैक्सीन बनानी थी, निमोनिया का क्योर निकालना था। और वो दो स्ट्रेन कौन से थे बच्चों, समझने की कोशिश करना। पहला स्ट्रेन था ऐसा स्ट्रेन जो वायरुलेंट था, मतलब निमोनिया कॉज करने वाला, स्मूथ था, इसका नाम स्मूथ है, कैसे मैं बताता हूं, पैथोजेनिक था एंड अनकैप्सुलेटेड था। सॉरी ये भारी भरकम शब्द क्या है, तो इसको हम बोलते थे अनकैप्सुलेटेड एस टाइप, बताता हूं, सब बताता हूं, टेंशन मत लो। मतलब ये कैसा दिखता था मैं तुम्हें रफली बताता हूं, कुछ ऐसे थे ये स्ट्रिप्टोकोकस, अगर तुम देखो कोकस मतलब ऐसे होते बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया था। और मैंने क्या बोला, वो इनकैप्सुलेटेड थे, स्मूथ थे, मतलब ये जो
बैक्टीरिया का जो स्ट्रेन था, समझो कुछ ऐसा कुछ स्ट्रेन है, इट वॉज इनकैप्सुलेटेड, मतलब इसमें कुछ कवरिंग थी, कुछ कवरिंग थी इनमें, देयर आर सम कवरिंग। तो क्या बना दिया मैंने तुम्हारे लिए, ये तुम्हारा बैक्टीरिया है, इसका ये एस स्ट्रेन है। अब एक और स्ट्रेन था जिसमें कवरिंग नहीं थी, एक ऐसा भी स्ट्रेन था जो नॉन वायरुलेंट था, मतलब जो अगर तुमने डाल दिया किसी के अंदर या मैमल्स के अंदर या ह्यूमंस के अंदर, उसे बीमारी नहीं होगी, नॉन वायरुलेंट, रफ, नॉन पैथोजेनिक एंड नॉन कैप्सुलेटेड आर टाइप। अब ये कैप्सुलेटेड नहीं है, नॉन कैप्सुलेटेड आर टाइप, तो ये कैसे भैया नॉन कैप्सुलेटेड है, कैसे दिखते नॉन कैप्सुलेटेड बताता हूं। रफ है ना ये, ऐसे रफ, कोई कैप्सूल नहीं, कोई कनेक्टेड, ये कैप्सूल वाइजर में जो रहता है ना बच्चों, दिस म्यूकोपॉलीसेकेराइड, मैं बुक में शायद दिया नहीं आई थिंक, फिर भी लिख लो कभी काम आ जाए तो, म्यूको पॉलीसेक्राइड, ये जो कवरिंग है म्यूको पॉलीसेक्राइड। तब तक मैंने क्या बताया, उन्होंने दो स्ट्रेन लिए, एक तो एस टाइप और एक तो आर टाइप। एस टाइप कैसा है, स्मूथ है, इनकैप्सुलेटेड है, कवरिंग है, लेकिन पैथोजेनिक और विरुलेंट है, मतलब क्या बीमारी कॉज करेगा, अगर ये स्ट्रेन तुम पे अफेक्ट कर गया तो बीमारी कॉज पक्का होगी। लेकिन दूसरा वाला जो आर टाइप है उसको बोलते हैं रफ टाइप, जो अगर अंदर आ गया तो खुश रहो, इसको लगा लगा तो लाइफ झिंगा लाला, लाइफ झिंगा लाला, मतलब अगर ये आ गया बॉडी में तो निमोनिया नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाला आ गया तो निमोनिया होगा, निमोनिया होगा, निमोनिया नहीं होगा। अब नसीब अपने अपने, मूवी है ना एक, कौन सा तुमको कौन सा इंफेक्ट करता है, से बहुत सारे स्ट्रेन होते हैं, दो स्ट्रेन लिया है। तो ये तो कहानी हो गई बैक्टीरिया की, जिसका नाम है स्ट्रिप्टोकोकस निमोने, जो निमोनिया कॉज करता है ह्यूमंस और अदर मैमल्स में। उसके दो स्ट्रेन लिए गए, एक तो एस स्ट्रेन था, एक तो आर टाइप था वाला स्ट्रेन था। जो एस टाइप वाला था वो बीमारी कॉज करता था, विरुलेंट था, पैथोजेनिक था, लेकिन जो दूसरा वाला था आर टाइप वाला, वो नॉन विरुलेंट था, रफ था, नॉन पैथोजेनिक था, जो बीमारी कॉज नहीं करता था। कुछ इंटरेस्टिंग चीज नोट करते हैं, तो हमने क्या पढ़ा अब तक कि बाबा दो स्ट्रेन थे, सिंपल सिंपल स्ट्रेन थे, कोई टेंशन नहीं था। अब क्या किया उसने, माइस, उन्होंने माइस लिया, माउस को लिया, इंसानों पे तो कर नहीं सकते एक्सपेरिमेंट, जो तुम दवाई भी खाते हो बहुत सारी, ये सब पहले माइस पे चेक होता है, ऐसा बोलते हैं कि 95% जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन माइस का अपने से मैच करता है, तो अगर उन पे काम करे तो अपने पे करेगा ही, कोई बीमारी का टेस्ट, कोई वैक्सीन चेक करनी है, कोई दवा चेक करनी है तो उन पे चेक करो। तो अब क्या किया भाई साहब ने, माइस को बलिदान बना दिया, बलिदान देने वाले इस माइस को नमस्कार है भाई मेरा। अब सुनो अच्छी तरह से, पहले ने क्या किया, रफ स्ट्रेन लिया, और रफ स्ट्रेन तुमको ऑलरेडी मैंने तुमको बताया, जो रफ स्ट्रेन है वो बीमारी कॉज नहीं करता, तो रफ स्ट्रेन माइस पर डाला तो बीमारी कॉज नहीं करेगा, तो माइस जिंदा था एकदम खुशी से, क्योंकि मैंने बताया जो रफ टाइप है, जो आर स्ट्रेन है वो बीमारी कॉज नहीं करता, निमोनिया कॉज नहीं करता, अच्छी बात है, मालूम था। बाद में उन्होंने क्या किया, स्मूथ स्ट्रेन लिया, अब स्मूथ स्ट्रेन सबको पता है बीमारी कॉज करता है, निमोनिया हुआ, बीमार हुआ बेचारा, और उसकी मृत्यु हो गई, काफी दुखद घटना। फिर क्या किया उन्होंने, थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया, अब उसने क्या किया, अपने तुमको पता है जो एस स्ट्रेन है बीमारी कॉज करता है, जो सेकंड वाला, लेकिन इसको ना हीट किल कर दिया, मतलब वो एस स्ट्रेन को हीट करके इनएक्टिव कर दिया, एस स्ट्रेन जो बीमारी कॉज करता है, बीमारी कॉज करता है, कब करेगा, जब वो नेचुरली फॉर्म में प्रेजेंट है। लेकिन अभी क्या उन्होंने थर्ड स्टेप में
उस एस को हीट किल कर दिया, हीट किल करेगा कोई काम का तो रहेगा नहीं। अब वो तो हीट किल करने के बाद वो जो एस ट्रेन था वापस उसने वाइस में डाला। लोगों को लगा था कि मरना चाहिए लेकिन मरा नहीं, क्योंकि अलाइव रहेगा। क्यों क्यों अलाइव रहा? क्योंकि हीट किल करते ना उसने एस ट्रेन को। देखो रफ को हीट किल करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि रफ तो ऐसे भी बीमारी कॉज नहीं करता। रफ स्ट्रेन वाला जो तुम्हारा स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया है, वो अगर तुम माइस में डाल दोगे तो रफ से वैसे भी बीमारी होती नहीं है ह्यूमंस और मैमल्स को। तो माइस जिंदा रह गया, पहला माइस जिंदा रह गया तुम्हारा एकदम, तुम भी खुश मैं भी खुश। लेकिन स्मूथ का तो मालूम ही था डालोगे तो मरेगा वो। थर्ड स्टेप में ये भी मालूम था कि अगर हीट किल करोगे उसको खतरनाक कम कर दोगे तो निमोनिया होगा नहीं। अब ये हुआ बच्चों, तो अब तक तुमको समझ में आ गया। अगर हम रिवाइज करते बच्चों एक बार, कि जो रफ वाला होता है वो बीमारी कॉस नहीं करता, तो माइज अलाइव है, कोई टेंशन नहीं है। स्मूथ वाला करता है तो माउस मर गया, बुरी बात है। लेकिन रफ वाला नहीं करता, स्मूथ वाला करता है। स्मूथ वाला बीमारी कॉस करता है, लेकिन जब तुम हीट किल करोगे स्मूथ वाले को तब तो बीमारी कॉस नहीं करेगा, तब माइज वाला अलाइव है। लेकिन फोर्थ वाला इंटरेस्टिंग था बच्चों। मैंने क्या बोला? रफ वाला बीमारी कॉस नहीं करता, स्मूथ वाला करता है, लेकिन जो हीट किल्ड वाला है स्मूथ वाला है वो नहीं करता, बराबर। लेकिन अब देखो फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, उन्होंने रफ स्ट्रेन लिया और हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन लिया। रफ वाला तो बीमारी कॉस नहीं करता तो माइस को बीमारी नहीं होनी चाहिए, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन भी बीमारी कॉस नहीं करता तो माइस जिंदा रहना चाहिए। लेकिन माउस इज डेड, माउस मर गया। अब ये कैसे हो गया? चमत्कार चमत्कार चमत्कार। मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? रफ वाला बीमारी कॉस नहीं करता, बराबर है, दिख रहा है इधर माउस अलाइव है। तुमने ग्राफ लिया फोर्थ स्टेप में, स्मूथ वाला करता है लेकिन हीट किल्ड स्मूथ वाला नहीं करता। और मैंने के साथ स्मूथ हीट किल्ड स्मूथ वाला लिया तो बीमारी तो नहीं होनी चाहिए, माइस को निमोनिया नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ और माउस मर गया। अब मुझे बताओ कैसे? तो अब ये बहुत शॉकिंग था पूरी जगत के लिए, पूरे विश्व के लिए, समग्र विश्व में इस चीज की चर्चा चली। क्या ऐसा कैसा हो गया? ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मुझे नहीं मार सकता, ये तो मेरा भाई है, ये मुझे नहीं मार सकता। लेकिन क्या पता था कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो अब कुछ इंटरेस्टिंग बात, देखो क्या इंटरेस्टिंग बात तुमको बताता हूँ। तो डेड माउस को लिया, ठीक है, इसके ब्लड सैंपल को चेक किया, मतलब इसके सैंपल्स लिए, इसके अंदर लाइव एस ट्रेन मिले। अरे भाई साहब ये क्या हो गया? इसको तो हीट कर दिया था, क्या इसका पूरा जन्म हो गया? क्या भगवान का आशीर्वाद था इसके ऊपर? क्या था आखिर? देखो मैंने क्या बोला, हीट किल्ड स्मूथ ट्रेन लिया अपन ने, लेकिन हीट किल्ड ट्रेन लिया मतलब कोई बीमारी कॉस नहीं करेगा। लेकिन बाद में जब मरने के बाद चेक किया तो मालूम पड़ा कि इसके वॉइस के अंदर मिला है एस ट्रेन, जो लाइव है एकदम, एकदम जिंदा है। तो अब क्या हुआ होगा बच्चों, सब सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जो आर्स ट्रेन था, सुनना बच्चों अच्छी तरह से, जो आर्स ट्रेन था, अच्छी तरह से सब लोग सुनना बेटा, एक पॉइंट लिखा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रिफिथ का कंक्लूजन क्या था? पॉइंट लिखाने के लिए तुमको एक्सप्लेन कर देता हूं। तुम्हारा जो आर्ट स्ट्रेन था, तुम्हारा जो आर्ट स्ट्रेन था उसने हीट किल्ड, उसने हीट किल्ड एस ट्रेन, उसने हीट किल्ड एस ट्रेन के साथ कुछ तो अदला बदली कर दिया। अब सुनना अच्छी तरह से, एकदम अच्छी तरह से सुनना। देखो बच्चों एक कॉन्सेप्ट समझना, हमेशा कोई भी चीज साइंस में ऐसी नहीं होती है, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। इट टुक टाइम, इवन ग्रिफिथ को भी नहीं समझा। तो हुआ क्या था मैं तुमको सिंपल अगर मेरे लैंग्वेज में बताऊंगा, टेक्सटबुक के लैंग्वेज से ना छोड़ के मेरी लैंग्वेज में बताऊंगा क्या हुआ था। एक मस्त चीज हुई थी,
जो एश ट्रेन था बच्चों, कुछ तो एक चीज थी, वो क्या चीज थी नहीं पता, डीएनए था, आरएनए था, प्रोटीन था, वो नहीं पता, वो एश ट्रेन से आर ट्रेन में आ गया और उसको ग्रिफिथ ने बोला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अरे सर कुछ नहीं समझा, बात आता हूँ, टेंशन मत लो, मैं पूरा लिखाता हूँ ये, फिर तुमको एक्सप्लेन करता हूँ, सुनो अच्छी तरह से सुनना। ही कंक्लूडेड दैट द आर स्ट्रेन बैक्टीरियम मस्ट हैव टेकन अप टू वॉट ही कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अच्छे से सुनना बच्चों, टेंशन मत लेना, डिफिकल्ट नहीं है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल फ्रॉम द हीट किल्ड एज बैक्टीरियम। Which allowed, अब सुनना अब आएगा मजा, which allowed our strain to get transformed into smooth coated bacteria. And become virulent. Exam अगर आया तो तुम पूरा का पूरा लिखना ही है। अब मैं explain करता हूँ क्या हुआ। तो अब बच्चों, ये जो S strain था ना, उसके अंदर ऐसा कुछ तो होगा जो बीमारी cause कर रहा होगा। तो या हुआ यू, इवन तो वो S strain मर गया, S strain को तुमने kill किया, लेकिन उसके अंदर कुछ तो था, कुछ तो था, और वो चला गया R strain में। वो कुछ तो जो गया आर स्ट्रेन में वो खतरनाक था, कॉसिंग था, लेकिन जब वो आर स्ट्रेन में गया, देखो आर स्ट्रेन तो जिंदा ना, आर स्ट्रेन को तो किल नहीं किया, तो स्मूथ स्ट्रेन में से कुछ तो आर स्ट्रेन में गया। अब वो कुछ तो क्या था, आगे पढ़ेंगे अपन। अब तुमको मैं बोल देता हूँ, स्पॉइलर अलर्ट बोलते ना, इट वॉज डीएनए स्मूथ स्ट्रेन का आर स्ट्रेन में चला गया और उसके अंदर तो बीमारी कॉसिंग जीन्स है। तो जैसे वो आर स्ट्रेन में गए, ट्रांसफॉर्म हुए आर स्ट्रेन के अंदर, तब उसने बीमारी कॉज करना शुरू कर दिया बच्चों, इसीलिए माउस मर गया। किसको पता था इतना कुछ अंदर होता है। मैंने क्या बोला, जो हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन था उसका जो जेनेटिक मटेरियल था, देखो ग्रिफिथ को पता नहीं था वो क्या है, लेट मी टेल यू, इसके लिए उसने क्या बोला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। कुछ तो है, अब कुछ तो क्या है मुझे नहीं मालूम, डीएनए आरएनए है, प्रोटीन है, वो मुझे नहीं मालूम, वो तो संसार समाज ढूंढ लेना, पता कर लेना, मुझे नहीं मालूम, इसमें हिम्मत है पता कर लेना, मेरे को तो नहीं मालूम बाबा, उसको तो मालूम नहीं था भाई। उसने सिर्फ इतना बोला कि ऐसे तो वो मर नहीं सकता, एक्सपेरिमेंट तो मैंने कुछ अच्छे से किया है, एक्सपेरिमेंट में कुछ फॉल्ट नहीं है, तो जो आर स्ट्रेन था वो एक्टिवेट हो गया, वो आर स्ट्रेन कन्वर्ट हो गया स्मूथ स्ट्रेन में। कैसे, वो हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन जो थी बच्चों, जो हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन मर चुकी थी, जो बीमारी कॉज नहीं करने वाली थी, लेकिन उसके अंदर का वो जेनेटिक मटेरियल जिंदा था, वो डीएनए जिंदा था, जो स्मूथ जो रफ में चला गया और रफ को बीमारी वाला बना दिया। ऐसा बोलते ना, एक बुरा इंसान वो मरने के बाद भी बुराई फैलाता है, तो ये स्मूथ स्ट्रेन मर गया लेकिन मरने के बाद भी अपना जहरीला खतरनाक अंश छोड़ गया जो रफ में चला गया और रफ बीमारी कॉस्ट बन गई और ये माइस शहीद हो गया। ओ मेरे वतन के लोगो, जरा आंख में भर लो पानी, हमारा माइस हो गया शहीद। तो आई होप बच्चों समझ